हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। तो मेजरली ये सिक्स टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट माउंटेन, सेकंड एल्यूवियल, देन ब्लैक सॉइल जिसे हम रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं, लैटराइट सॉइल, रेड सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। अब मैं आपको बताऊंगी इन सॉइल्स के बारे में और ये सॉइल्स कहाँ पाए जाते हैं और इनकी फर्टिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी माउंटेन सॉइल के बारे में। तो जैसे कि इसका नाम है माउंटेन सॉइल, तो ये हमारे हिमालय रेंज जो है वहां पे पाए जाते हैं, असम में और दार्जिलिंग में पाए जाते हैं। और इनका कंपोजिशन जो है वो इस तरीके से होता है कि जो माउंटेन्स होते हैं वो थोड़े 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 क्रश होते जाता है उसमें से स्टोन, और फिर वो नीचे आता जाता है फिसल फिसल के, और फिर वो मिट्टी का फॉर्म ले लेता है, उसको बोलते हैं हम माउंटेन सॉइल। और अगर हम फर्टिलिटी के बारे में बात करें तो इसमें ह्यूमस जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, और टी और पोटैटो के लिए ये जो सॉइल है वो बहुत बेनिफिशियल है। यानी कि इस ये सॉइल अगर हम यूज करेंगे इनकी फार्मिंग के लिए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा इसका रिजल्ट। सेकेंड है हमारा एल्यूवियल सॉइल। तो ये जो है ये हमारे जो नदर्न प्लेन्स हैं वहां पे पाया जाता है, और इसका जो रीजन है वो बहुत ज्यादा वाइड है। ये हमारे जो डेल्टास हैं महानदी की वहां पाया जाता है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यानी जितने भी हमारी बड़ी बड़ी रिवर्स है ना उनके बैंक्स पे जो सॉइल मिलता है उसको बोला जाता है एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आप समझ गए होंगे कि जो हमारे रिवर्स में जो सैंड, सिल्ट और क्ले जो इकट्ठा हो जाती है उस जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में पाया जाता है उसे बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल। क्योंकि अब ये पानी के अंदर ही होता है तो आप खुद ही समझ लीजिए कि इसकी जो फर्टिलिटी लेवल होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट अ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है वो डेक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है, और यहाँ पे जो प्लेट्यूज हैं वो महाराष्ट्र और मालवा और जो हमारा सदर्न मध्य प्रदेश है उसको कवर करता है ये, और ये फिर ईस्टवर्ड में चला जाता है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में जाता है ये, और गोदावरी और जो कृष्णा की जो वैलीज हैं वहां पे ये सॉइल बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये जो सॉइल होता है वो बहुत ज्यादा रिच होता है कैल्शियम कार्बोनेट में, मैग्नीशियम कार्बोनेट में, पोटैश और लाइम, ये सब चीजें उसमें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। और जब हम बात करेंगे फर्टिलिटी की तो ये एक्सट्रीमली फाइन सॉइल है, क्योंकि ये क्ले मटेरियल जैसा होता है ना वो है इसमें। दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, उसके अंदर मॉइस्चर जो है वो होल्ड करके रहता है, और ये रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, और ये जो है वो बहुत अच्छा, यानी कि गर्म जो मौसम होता है ना उस तक के अंदर उसका मॉइस्चर नहीं जाता, तो ये जो है ब्लैक सॉइल ये हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। अब हम बात करेंगे लेटरल सॉइल की, तो ये जो है बहुत कम एरियाज में पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु, उड़ीसा, स्मॉल पार्ट्स ऑफ छोटा नागपुर एंड नदर्न ईस्ट ऑफ मेघालय। अगर हम बात करेंगे इसकी कंपोजिशन की तो ये जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वहां पे पाया जाता है। और हम बात करें फर्टिलिटी की तो क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है तो जो फर्टिलिटी लेवल है वो उसका कम हो जाता है। इस सॉइल में आयरन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, सो इसकी फर्टिलिटी जो है वो एज कम्पेयर टू अदर सॉइल बहुत लेस है। अब हम बात करेंगे रेड सॉइल की। रेड सॉइल का मतलब तो यही है कि रेड कलर का सॉइल है, और ये हमारे जो ईस्टर्न पार्ट है छोटा नागपुर प्लेटियो का वहां पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, मध्य प्रदेश की ईस्ट पार्ट में पाया जाता है, तेलंगाना में पाया जाता है, नीलगिरी और तमिलनाडु प्लेटियोज जो है वहां पे पाया जाता है, उसके बाद ये नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाता है जो कि हमारी कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र को टच करता है। अगर हम इसी कंपोजिशन की बात करें तो ये लोमी होता है नेचर में, यानी कि इसके जो ग्रेविल्स होते हैं वो काफी लूज होते हैं, और इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, और न्यूट्रीजीनियस मटेरियल पाया जाता है, और इसमें आयरन जो है वो भी काफी होता है। अगर हम बात करें इसकी फर्टिलिटी की तो ये सॉइल जो है वो कम फर्टाइल है, क्योंकि इसकी जो ग्रेविल है वो लूज है, यानी कि वो सही से पकड़ता नहीं है उसको,
तो ये जो है, लेकिन ये भी मतलब अलग अलग सॉइल्स जो हैं वो अलग अलग जो हमारे ग्रेन्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल होता है। तो ज्वार बाजरा और मेज जो है वो रेड सॉइल में ही उगाई जाती हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेजर्ट सॉइल, जैसे कि हम नाम ही है, यानी कि ये रेगिस्तान में पाया जाता है और ये हमारे वेस्ट राजस्थान में है, गुजरात में है, साउथ पंजाब में है, और जो हमारा सदर्न पार्ट है हरियाणा का, वहां पे ये पाया जाता है, और यूपी के वेस्टर्न पार्ट में। अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन की, तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूबल सॉइल जो है वो पाया जाता है। और फर्टिलिटी की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज ये जो सॉइल है वो फर्टाइल बनाया जा सकता है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।